तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई नो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल लाइट। तो गाइस, आज ना मैं एक न्यू रैंक सर्वर स्टार्ट करने वाला हूं। एंड रैंक सर्वर के अंदर कैसा सीन होता है कि अपन जो फार्मिंग करते हैं ना, वो तीन गुना कम मिलती है। मतलब हर चीज तीन गुना कम। अगर पेड़ को काटे तो 12,000 नॉर्मली अपने को वुड मिलती है, लेकिन इसके अंदर 450 ही मिलेगी। एंड वैसे ही स्टोन का भी होता है, आयरन का भी होता है, सल्फर का भी होता है, सारी चीजें मतलब कम कम मिलने वाली। और इससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये जब सर्वर आया था ना, तभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तीन दिन होने के बाद मैंने इस सर्वर स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये डाउन आइसलैंड का मैप है। एंड रैंक सर्वर के अंदर ज्यादातर डाउन आइसलैंड के, जहां तक मेरे को पता है, कि मैप नहीं आते, ज्यादातर सिविलाइजेशन ही पड़ा हुआ रहता है। तो भाई मैंने सोचा कि सिविलाइजेशन छोड़ देते और डाउन आइसलैंड के अंदर आ जाते। एंड इसके अंदर मैं सोलो के अंदर नहीं खेलने वाला हूं। अपनी एक लीजन बना है, जो कि दूसरे बंदे का लीजन है। पता नहीं वो लीजन वाले बंदे कहां पर अपना ग्राइंड कर रहे हैं, तीन दिन पहले से ही खेल रहे। उन बंदों ने ना अपना बेस एयरपोर्ट के बगल में जाके बनाया है, यहाँ पर कहीं पर। तो भी सही खेल गए बैंच, लेकिन अपन ना उनके बेस के अंदर नहीं रहेगी किराए से। अपन अपना अलग बेस बनाने वाले, जो कि होने वाला है रॉकेट एंड रिसर्च सेंटर के ऊपर, जहाँ पर आप उनके कारागिर बेस जाके, इंजीनियर इंजीनियर जाके अपना बेस तो बना दिए। और अभी के लिए क्या करना है, बेस तो अपना ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अपना टारगेट आज रहने वाला है कि जो ये पूरा मैप देख रहे हो ना भाई, एक एक रूम करना है मेरे को। सारे के सारे जितने भी यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर रूम्स वगैरह पड़े हुए थे ना, तो वो सारे के सारे रूम कर देने। एंड रूम भी ऐसे करेंगे कि अगर ये समझ लो अगर मैं बॉम्ब शेल्टर के ऊपर रूम करने गया, तो वहां पर ही ना उसके अगल बगल में एक रूम अपने को बेस बना के रखना है, स्लीपिंग बैग वगैरह लगा के। एंड उसके बाद वहां पर फिर से जाके रूम करना है, मतलब इन फ्यूचर। तो अपन ने फ्यूचर का भी सोच के रखा है कि क्या क्या सीन करना है। तो चलो ठीक है, तुम्हारे भाई ने अभी सर्वर के अंदर आती तीन तो रूम के एरियाज कवर कर लिए। पहला तो एरिया कवर हो चुका है अपना, जो कि CMB मतलब कि सेंट्रल हार्बर मिलिट्री बेस एंड बैंडेड कैप, जो कि अपना बेस यहाँ पर बना पड़ा हुआ है ऑलरेडी। एंड उसके बाद एक और भी किया, जो कि इधर की साइड में अबांडेड सेंटर के पीछे की साइड में बेस बना हुआ है ऑलरेडी। एंड बायो केमिकल फैक्ट्री है ना, वहां पर भी बेस बना हुआ है। अभी ना मैं बॉम्ब शेल्टर के जरा सा दूर हूँ, तो इजिली वहां पर जा सकता हूँ एंड वहां पर बेस बना के अपना रूम करके आ सकता हूँ। एंड मेरे पास ग्रीन रूम कार्ड भी नहीं है, तो वहां पर जाके बेस बना लेंगे, वहां पर ही अपना रूम कार्ड भी अनलॉक हो जाएगा एंड सामने ही जाके रूम भी करके आ जाएंगे। तो चलो अभी जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस इस बार भाई मेरे को इतनी ज्यादा गन चाहिए भाई, बंदा जो भी दिखे भाई, मतलब तगड़ी वाली फाइट लेने वाला है तुम्हारा भाई आज के इस सर्वर के अंदर। भाई छन्नी से छान लूंगा एक एक बंदे को, देखना अभी। ठीक है। ओ नो नो होप तेरी भाई साहब, यहाँ पर तो ऑलरेडी इतने ज्यादा बेस बने हुए, मेरी तो देख की आंखें चोंधी आ रही है कि रूम करने को गया और आती ही बाहर इन बंदों ने पेल दिया तो भाई सारा सामान गया। बट देखो यहाँ पर सामने की साइड में एक बड़ा सा बेस बना हुआ है एंड इधर की साइड में भी एक बंदे ने बेस बना के रखा है अपना छोटू सा। कारागर बंदा भाई, इसने तो अपना वो टावर वावर भी लगा के रखा है। वो टावर भी ना इतना छोटू सा है कि भाई यहाँ पर से वो चोटी दिखेगा ना उस पहाड़ की, तो भी नहीं दिखेंगी, इतना छोटू सा उसने टावर बना के रखा है। चलो ठीक है भाई, कारागर बंदे पड़े हुए यहाँ पर एंड मैं अपना बेस यहाँ पर ही बनाने वाला हूँ। बॉम्ब शेल्टर आ चुका है सामने की साइड में। एंड यस, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि ग्रीन रूम भी मिलता है एंड पर्पल आई मीन ब्लू रूम भी है। तो चलो भाई अपनी कारागरी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। हम जरा पहाड़ का ना सहारा लेके अपना बेस बनाएंगे, क्योंकि अगर इन बंदों के नजर में पड़ गया ना, तो भाई ये मेरा बेस रेड मार सकते हैं। मतलब मारेगा तो नहीं कोई, बट चलो ठीक है यार, जरा से हम भी अपनी सेफ्टी रख लेते हैं। मैं बेस बनाऊंगा यहाँ पर इधर की साइड में, मे बी यहाँ पर बेजल लग सकता है। नहीं यार, ऑल राइट बेजल नहीं लग रहे वहां पर, तो मेरे को जरा पीछे की साइड में होना पड़ेगा। यहाँ पर लग जाए तो बहुत बढ़िया वाली बात होगी। यहाँ पर लग जा, यहाँ पर लग जा, अबे लग तो जा भाई, लग ही नहीं रहा बेजल। ये देखो यहाँ पर इस बंदे ने क्या भैंस का मुंह बना के रखा, अबे क्या बना के रखा भाई, ये खरगोश है फिर भैंस का मुंह बना के रखा इसने। कुछ भी अपना वुड वगैरह फार्म करते और ये क्या बना के रखा। चलो छोड़ो यार, मैं जाता हूँ पीछे की साइड में। यहाँ पर एक बेजल लग गई थी मेरी, चेक कर रहा था कि कहाँ पर लगानी थी। अबे कहाँ पर लगाई थी मैंने बेजल, वो ये मिल चुकी है मेरे को, वो वाली बेजल जो कि मैंने ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए, आई मीन प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पर चेक करने के लिए लगाई थी कि लगता या फिर नहीं। तो यहाँ पर लग चुके, तो यहाँ पर ही बेस बना देता हूँ। यहाँ पर एक लग जा, यहाँ पर एक लग जा वॉल एंड यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ना मैं 2x2 बेजल का बना देता हूँ। यहाँ पर मैं भी लग जा बेजल, ऑल राइट लग चुके। ये ना पूरा का पूरा आधा बर्फ के अंदर धसा हुआ है, तो देखो यहाँ पर बेजल नहीं लग रही यार, दिक्कत है भाई। अभी यहाँ पर वुड का ये ही नहीं लग सकता। चलो ठीक है, मेरे को एक बेजल का ही रखना पड़ेगा इसको। यहाँ पर एक ऐसा ये लगा दो एंड उसके बाद हो जाऊंगा पैक, तो इसको तोड़ दो पहले। अभी एक सेकंड, मेरे पास ना कैबिनेट भी नहीं बना हुआ है, तो कैबिनेट क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो मेरे को स्टोन वगैरह मिला है ना, ये आते हुए मैंने तोड़ा था, तो स्टोन भी आ चुका है अपने पास। एंड मेरे पास नेटल ट्री भी थे, तो उससे एक स्लीपिंग बैग भी बना लेते अपने के लिए। और जरा सा ना मेरे को बैंडेज वगैरह भी चाहिए होगा, क्योंकि रेडिएशन लगता है, 4 बैंडेजेस बस हो गए। एंड एक बार रूम कर दिया तो उसके बाद बैंडेज तो मेरे को मिलती ही वहां से। और ये कैबिनेट को लगा दो यहाँ पर इधर की साइड में कोने में भिड़ा के, एंड उसके बाद इसको अपग्रेड भी मार दूंगा मैं स्टोन के अंदर। एक सेकंड, स्टोन के अंदर अपग्रेड करने से पहले मेरे को इसको डिमोलिश मार दे, तो इसको भी डिमोलिश मार दे, तो एंड अभी कर सकता हूं मैं अपग्रेड। लेकिन अपनी ना छत ओपन ही रखी है मैंने, तो इसको ढक लो भाई, बंदा आ जाएगा इसके ऊपर से। ग्लाइडर तो भाई भर भर के बंदे के पास। एंड ये अपना स्लीपिंग बैग वगैरह सब क्राफ्ट हो चुका है, तो अभी मेरे को सिर्फ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ इसको अपग्रेड मारना है।
अपग्रेड हो गया। एंड उसके बाद इसके अंदर स्टोन भर देना है पूरा का पूरा, एंड ये वुड भी भर देनी है। एंड यहाँ पर ही एक साइड में पेड़ था, कहाँ पर भी आप पेड़ कहाँ पर है, यहाँ पर इस पेड़ से जरा सी वुड ले लेता हूँ क्योंकि अपने को उसको पैक भी तो करना है। और मैंने स्लीपिंग बैग तो लगाना ही भूल गया, तो यहाँ पर स्लीपिंग बैग भी प्लेस कर देता हूँ। एंड इसका रीनेम डालने वाला हूँ, इसका रीनेम होगा बी रूम, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर रूम ऐसा इसका मतलब होता है। बी रूम डाल लिया इसका नाम, एंड कंफर्म भी कर दिया। और अभी जाके यहाँ पर ना क्या करता हूँ, एक वॉल लगा लेता हूँ जिससे कि कोई बंदा अंदर की साइड में जाके अपना स्लीपिंग वगैरह ना तोड़ पाए। एंड कोई टेंशन नहीं होने वाली, अगर मैं यहाँ पर ये लगाता ना अपना क्या बोलते हैं डोर लगाता तो मेरे को उसके ऊपर ना वो लॉक ला के लगाना पड़ता, जो कि मेरे पास सही नहीं, आयरन ही नहीं कहलाया, तो इसलिए चुपचाप जाते हैं अभी सीधा सामने की साइड में। एक सेकंड, मेरे को ग्रीन कार्ड कहाँ से मिलेगा भाई? गाइडेंस के अंदर चेकआउट करना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड मिलता है नहीं मिलता? ओके मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को यार? कंप्लीट गैदर स्टोन वन, एंड एक सेकंड यार, उसके लिए मिशन करना पड़ेगा मेरे को ओल्ड वाले जो कि ये जिस भी बंदे ने ना स्टोन को तोड़ने का और जो बिल्डिंग का एक डोर वगैरह है ना वो अपग्रेड करने का मिशन लिखा है इस गेम के अंदर, भाई उसका ना हाथ से मैं उसका ही काट दूंगा। एकदम ही घटिया मिशन यार, ये क्या मजाक है यार भाई, इतना तो कोई भी कर सकता है भाई। मैंने खुद ही तो नहीं किया था अपग्रेड भाई, मैं किधर से भी डोर लगाता था आपको पता ही है ना। ओ नो भाई, अगर मेरे ना ओल्ड वीडियो देखेगा ना उसके अंदर तो मैं अपने गाइडेंस मिशन को सारा का सारा इग्नोर मार के चलता था, बट चलो ठीक है गाइस, अभी के लिए यहाँ पर जरा सी मुश्किल अपने को हुई, बट अभी मेरे को फाइनली ग्रीन कार्ड मिल चुका है। एंड पीजी की साइड में अपना जो ओपन वाला बेस है ना उसको वैसे ही छोड़ के जाने वाला हूँ मैं अभी अपना ग्रीन रूम करने के लिए। चलो अभी ना मैं सीधा सीधा रूम करने के लिए जाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर तो ज़ॉम्बी वॉम्बी भी जरा बच के जाना पड़ेगा। एंड ये बॉम्ब शेल्टर वाला रूम ना अभी कभी भी नहीं किया मैंने। एक सेकंड, तेरी भेज क्या निकल साइड में, अबे दो दो ज़ॉम्बी मेरे पीछे लग चुके, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आ जा निकल साइड में तू भी। एक सेकंड, मेरे पे लेवल वन का मास्क है तो इजीली जा सकते हैं हम अंदर की साइड में। लेवल वन का मास्क गियर कर लेता हूँ। एंड चलो भाई अंदर की साइड में, एंड ये ना रूम अंदर की साइड में होते तो ये जरा सा मेरे को पता है सामने की साइड में एकदम ज़ॉम्बी दिख जाता है, जो कि ये दिखा, निकल साइड में बैठे तेरी आंवला तू मर जा। एंड सामने की साइड में तो फैटी भी दिख रहा है, बट अबे भाई दिखा मतलब कि जाके फूटी, अबे इतना ज्यादा दूर से कैसे आ सकता है भाई ये? अबे ले यार मेरे पास तो सेल्फ हीलिंग भी नहीं, अभी मेरे को मर के आना पड़ेगा फिर से। आप कुछ गिरेगा तो नहीं? गिरने तो वाली चीज कोई है नहीं मेरे बैकपैक के अंदर, बट यार लेकिन ये क्यों हुआ भाई? अभी देखो यार मैं नीचे की साइड में चले जाता इतनी देर तक तो अबे मर जाओ यहाँ पर, अभी मैं फिर से आने वाला हूँ यार। भाई तार गिर गई, तार नहीं गिर गई, मेरी ये गन गिरी है जो कि कट्टा, अबे कट्टे के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पर। अभी अगर ये मोटी आवला नीचे की साइड में हुई ना भाई, इसको शॉटगन पीछे की साइड में घुस, अबे ले ज़ॉम्बी कहाँ से, अबे तू निकलना साइड में, अबे ले पहला ही शॉट मिस हो चुका है एंड दूसरा शॉट नहीं मिस होता हमारा कहीं भी। एंड यहाँ पर मेरा कट्टा गिरा हुआ था तो वो उठा लेता हूँ। एंड चलो भाई ब्लू रूम नीचे की ग्रीन रूम नीचे की साइड में होता है मे बी, अबे यहाँ पर भी तो फैटी नहीं है ना? नहीं यहाँ पर फैटी नहीं है, उसकी औरत है। अबे ले, अबे क्लोज में गोली नहीं लगती क्या तुमको भाई? दिमाग ही खा लेते तेरी माँ की, तेरे को क्लोज में जाके नहीं दूर से बजाना पड़ेगा। ले भाई मेरे को फिर से थोड़ी देर में आना पड़ेगा अभी तो। ऑलराइट हीलिंग मार मार के ना मैंने डैमेज बढ़ा लिया, हीलिंग मार मार के ना मैंने एचपी अपनी बढ़ा ली है। और अभी फिर से जाने वाला रूम करने के लिए भाई, इस बार अगर कोई मिला तो समझ लो बहुत बड़ी वाली मौत मरने वाला कोई भी। एंड ये रहा जनरेटर, इसके अंदर 10 तार भर देता हूं, 10 तार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसको कैंसिल। एंड ये मे भी ग्रीन रूम ही हो, मेरे को पता नहीं कौन सा, अबे ग्रीन रूम ही है। चलो 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 बच गए। अबे चल निकल साइड में, ये पहले वेपन का डब्बा फोड़ो, इससे मिलती है शॉटगन, उठा लेता हूं। एंड उसके बाद इसको फोड़ो, अबे फोड़ दे जल्दी भाई मेरे पास टाइम नहीं है। इसके अंदर लास्ट स्टोरेज मिल चुकी है, उठा लेता हूं। ये मेडिकेट का डब्बा यहां पर भी मिल चुकी है मेरे को, बैंडेजेस। एंड यहां पर से तार वार मिल चुके, उठा लो। एंड कुछ और भी वो गन का पार्ट मिल चुका वो भी ले लिया। और अभी जनरेटर से तार निकाल लेता हूं, 4 तार बची थी जो कि मैंने 6 तार में ही रूम कर दिया है। एंड अभी चुपचाप चलो ऊपर की साइड में। एंड यहां पर ना गाइस अपने को मास्क भी मिलता है, बट उसका लोकेशन मेरे को नहीं पता, तो चलो ठीक है मैं चुपचाप जा रहा हूं अभी के लिए यहां से। और स्टेयर चढ़ के आ भी चुके ऊपर की साइड में। अबे ले भाई ये कहां से आ गया अभी बड़ा वाला सुअर, अबे पीछे तो नहीं लग गया ये? अपने ना बेस के अंदर आके मैंने यहां पर एक चेस्ट बनाया और इसके अंदर ना जो लूट मेरे को नॉर्मल सी मिली थी ग्रीन रूम से तो वो यहां पर रख दी, शॉटगन वगैरह। इसको अपने मेन बेस के अंदर बाद में मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। एंड अभी के लिए ना गाइस मैं जाने वाला हूँ सीएमबी रूम करने के लिए, जो कि है अपना नीचे की साइड में सेंट्रल हार्बर, उसके बाद मिलिट्री बेस, एंड उसके बाद बैंडिट कैंप के ऊपर अपना यहाँ पर बेस है नीचे की साइड में जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी मार देते सेल्फ एंड वहां पर जाके पहले बैंडिट कैंप पे जाऊंगा क्योंकि वहां पर होता है ग्रीन रूम। एंड उसके बाद मास्क भी मिलता है मेरे को लेवल 2 का। तो चलो भाई सेल्फ मार दिया एंड कट्टा गिर गया, कोई टेंशन नहीं है। एंड अभी जाओ सीएमबी रूम पे, ये रहा सीएमबी मार्क। एंड चलो भाई अभी सीएमबी पे स्पॉन हो जाऊंगा मैं। ये सीएमबी वाला बेस देखो, इसके अंदर भी मैंने 2x2 बेजल का बना कर, और ये तो पूरा स्टोन के अंदर अपग्रेड मार दिया है मैंने। चलो इसको तोड़ देते हैं। एंड सामने की साइड में ना गाइस एक बंदे का बहुत बड़ा वाला बेस है, बट वो बंदा भी अपनी तरह मतलब नूबड़ा सा है, आई मीन मेरे जैसा नूबड़ा नहीं है भाई, वो एक नंबर का नूबड़ा बंदा है। देखो उसने छपरी सा बेस बना के रखा भाई, एकदम ऐसा ऊपर से देखोगे ना तो भाई उसका बेस भी नहीं दिखेगा, एक ऐसा मतलब एक पहाड़ टाइप कुछ भी दिखेगा यार, मेरे को नहीं पता क्या दिखेगा। पर सामने की साइड में ना एक बोर्ड दिखा, रुक जाओ महाराज जी पहले इसको पैक कर देता हूं। एंड इस महाराज जी को बजाने के बाद ना मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा खासा मिलना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। रुक जाओ अब ये पेड़ काटने के लिए रखूंगा। एंड निकल साइड में बैठे, और इससे क्या मिलेगा मेरे को? सीरिंज का मिलेगा, सीरिंज मिल चुकी है, चलो ठीक है सीरिंज ही मिली है। एंड बाकी का चीज नहीं उठाने वाला क्योंकि मैं जाने वाला हूँ गाइस अभी
भी रूम करने सीएमबी वाले, और वो वाले रूम करने के लिए ना मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा एक रिवर एंड उसके बाद जाना पड़ेगा रूम करने। मैं ना मिलिट्री बेस पे अपना पहला ग्रीन रूम करने वाला हूँ एंड यहाँ पर आने के लिए भाई 2-3 बार मारा था। लेवल 2 का मास्क लगता है यहाँ पर बाय द वे, जो कि मेरे पास है ही नहीं। एंड रूम कहाँ पर है भाई, यहाँ पर रूम कहाँ पर होता है, किधर से भी घुस रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर ना गार्ड बेस बच के तो जाना ही पड़ेगा। हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है सामने की साइड में रूम है। वो जो टाकी दिख रही है ना उसके साइड से होके जाना पड़ता है रूम के लिए। अभी चलो यहाँ पर तो कोई गार्ड वार्ड नहीं दिख रहा मेरे को, इजीली आ चुका हूँ भाई। मेरे पास सिर्फ 20 बैंडेजेस है एंड उसके अंदर मेरे को ये रूम करके दिखाना है और इजीली कर भी दूंगा भाई। लो आ भी गया। सामने की साइड में राइट साइड में गार्ड है बट उससे बच के इजीली जा सकता हूँ मैं, कि अपने को इधर की साइड से जाना। अभी ले रेडिएशन लगना स्टार्ट हो चुका है भाई मेरे को तो। ये रेडिएशन ना दूसरा रेडिएशन है, मैं ना जरा रूम के क्लोज में हूँ ना तो इसलिए रेडिएशन लगता है। अबे रूम कहाँ पर है यहाँ पर का? ऑल राइट वो आ गए सामने की साइड में रूम। एंड वो बंदा है क्या? अबे बंदा भाग के गया या फिर कौन गया? वो आई थिंक वो बॉट था मे बी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। रूम के पास आ चुका, फटाफट से तार डाल देता हूँ इसके अंदर। एंड इसके अंदर भी मे बी ग्रीन आई मीन पर जो ब्लू रूम कार्ड है ना वो नहीं है। फटाफट से कुछ इसके अंदर ये फोड़ दो, पहले फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो, जल्दी जल्दी एसएमजी मिल चुकी मेरे को। अबे फटाफट से निकलना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा रेडिएशन लग रहा है मेरे को। ये तोड़ दो, यहाँ से मिल चुका है मेडिकिट्स, मिल चुकी है 20। एंड अभी इसको ऑन कर दो एंड फटाफट से भाग लो। अबे निकल निकल निकल, रेडिएशन लगना स्टार्ट हो चुका है और मेरे को मेडिकिट बाहर बाहर मार मार के निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अबे भाई मेरे पास मास्क ही नहीं यार, ले भाई खत्म, मैं तो बहुत गंदी वाली मौत मरूंगा यहाँ पर आगे। अगर नहीं निकल पाया ना तो समझ लो भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर गया, लेकिन निकल के दिखाऊंगा भाई। ऑल राइट जा सकता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अबे जल्दी भाई, सामने की साइड में गेट है मेरे को दिख रहा है। अबे भाग ले। अबे नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा, अबे मेरा डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके कोई नहीं, अगर एक भी बार मेडिकिट छूटी तो समझ लो मैं छूट जाऊंगा यहाँ पर अभी। अबे जल्दी मार भाई, लेवल 2 का मार। अबे मेरे को हार्बर पे जाना चाहिए था शायद पहले। एंड ले भाई मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर अभी। अबे सीरिंज हो जी तो बच जाता मैं अभी। ले यार शर्ट, कोई बात नहीं, मेरे पास ये भी है, इससे बच गया भाई। अभी सामने की साइड में गार्ड है जो कि कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा मेरा। अभी इससे ना मेरा फुल एचपी हो जाएगा। जल्दी भाग ले, सामने की साइड में गार्ड है बट उसके ना साइड से निकल जाऊंगा। ये देखो यहाँ से निकल सकता हूँ मैं इजिली। एंड बच गए भाई, जैसे तैसे रूम कर लिया भाई, मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई ने रूम करके दिखाया और वहां से मेरी तार छूट गई। फिर से तार छूट गई, मेरे को मिली थी क्या रूम के अंदर से? मे बी मेरे को तार नहीं मिली। ले भाई अभी थोड़ा मेरे को यहाँ पर तार भी ढूंढना पड़ेगा एंड उसके बाद जाना पड़ेगा अपना हार्बर पे, वहां पर भी रूम करते हैं। हार्बर नहीं यार, उसका नाम है बैंडिट कैंप के ऊपर जाने वाला हूँ। एंड अभी वहां से मास्क लेना भाई, मैं बहुत ज्यादा ही दिक्कत में फंस गया था अभी, बट चलो ठीक है, रिस्क है तो इसके तुम्हारे भाई ने करके दिखा दिया मिलिट्री भाई। मेरे को लगा बहुत ज्यादा इजिली होगा लेवल 2 के बिना मास्क के भी, बट ये ना जरा सा हार्ड था, लेकिन वो भी कर दिया अभी मैंने। एंड एक और भी रूम है सामने की साइड में, मैं इसको करके आ सकता हूँ क्या? मेरे एचपी तो एकदम 100% है एंड बैंडेजेस भी मेरे पास 30-40 पड़े हुए, तो इजीली तो हो सकता है मे बी। चलो ठीक है, करके आ जाता हूँ। एंड ये रूम भी ना मेरे एकदम क्लोज में, तो कोई मतलब ज्यादा दूर तक जाने के लिए जरूरत तो नहीं है, बट सामने की साइड में एक गार्ड एंड मे बी उसके पीछे ही वो रूम है, तो एक सेकंड ना, गार्ड को बजाने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। इधर की साइड से जाता हूँ ना मैं, बीच की साइड से निकलता हूँ एंड मे बी सामने की साइड में भी गार्ड है भाई। चलो निकल लो भाई, जल्दी। सामने की साइड में रूम है एकदम सीधा सामने की साइड में, बट वहां पर गार्ड दिख रहा है मेरे को। अब एक सेकंड यार, यहाँ पर से भी तो आ सकता था ना मैं। वो देखो सामने की साइड में रूम दिख चुका है। अबे फटा, अबे नहीं यार, अबे मेरे पास ये नहीं ना तार, मैं भूल ही गया भाई। लो मेरे को जाना पड़ेगा बाहर अभी, मेरे पास तार ही नहीं है तो मैं इजीली कर देता। एंड अगर अभी याद हो चुका है मेरे को, इधर की साइड से पीछे की साइड से आना है ये रूम करने के लिए। एंड यहाँ पर मिलिट्री पे पर्पल रूम भी मिलता है, जो कि कार्ड ही नहीं है मेरे पे, ब्लू रूम ही नहीं किया अभी तक मैंने।